मेमरी ग्लैंड के बारे में बताएंगे, स्तन के बारे में बताएंगे, फीमेल के स्तन से रिलेटेड बात करेंगे अपन लोग। इसमें फीमेल में स्तन का रोल क्या होता है, कई बार कई लोगों का गलत विचार गलत भावनाएं आ जाती है, उनके बारे में सबके बारे में डील करेंगे। अभी हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बताया, कॉन्सेप्ट नंबर 3 था। ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, मेमरी ग्लैंड को लेकर अपन डील करेंगे। ये क्या है, सबसे बड़ी सवाल ये होता है फीमेल में होता है। पहला मैं बता दूं कॉन्सेप्ट नंबर 4 में, ये इससे कुल मिलाकर ये फीमेल में ही होता है और मेल में भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेल में छोटा होता है, फीमेल में बड़ा होता है। उसका रीजन ये है कि फीमेल में बड़ा होने का रीजन ये है क्योंकि एक न एक दिन इसमें से दूध निकलेगा, मिल्क निकलेगा। और मिल्क निकलेगा क्यों, क्योंकि जब एक फीमेल एक माँ का रूप धारण करती है तब वो अपने बच्चों को एनर्जी देने के लिए उसको दूध देना पड़ता है, और मेल अपने अंदर से बच्चा नहीं पैदा करता, इसकी वजह से उसके जो स्तन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली रूप से अगर देखा जाए तो मेल के भी बड़े हो सकते हैं, फीमेल के भी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि छेड़खानी वो छोटे में किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चा ये सारा खेल, कुछ लोग मिथ कहते हैं कि स्तन को बार बार टच करने से हैवी होता है, मैं कहता हूँ दिमाग ही पूरा पागल हो चुका है, ऐसा 100% नहीं होता है। सबसे बड़ा रीजन तो ये होता है कि फीमेल के साइड में ये पूरे फैट जमे होते हैं, और जबकि मेल में फैट पूरे बचपन की अवस्था में तोड़कर फैला दिया जाता है, और फीमेल में वो स्तन भरे पड़े होते हैं, और वो फैट की वजह से यहाँ देख पा रहे हैं माइडियर चारों तरफ फैट होता है, और जैसे जैसे फीमेल साइज में बढ़ा तो वैसे फैट भी बढ़ता है, और फैट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ब्रीस्ट भी हैवी होता चला जाएगा। जैसी जैसी उनकी अवस्था बढ़ेगी वैसे उस चीज में फैट बढ़ेंगे, और फैट बढ़ेंगे तो उसमें स्तन भी बढ़ता चला जाता है। ये बात बायोलॉजिकली रूप से प्रूफ हो चुका है, समझ रहे हैं? इसके दबाने से कुछ नहीं है, ये हमारी और आपकी गलत विचार हैं बस, और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा रीजन मैं बता दूं, इस फीमेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और कहां होती है, लोगों के गलत विचार से मैं बता रहा हूं इस चीज को, कि यहां पर देख रहे हैं ये जो चीजें दिखाई, मैं अंदर की संरचना को काट कर बता रहा हूं, बाहरी संरचना आपको अभी इसके बाद में दिखा दूंगा, ठीक है? ये ध्यान देना, ये कूपिका है, ये जो आप देख रहे हैं ये कूपिकाएं हैं। मेन रीजन 15 से 20 कूपिका होती है, या मैं बोल सकता हूं 15 से 20 तक कम से कम पालियां होती हैं, लोब्स होते हैं, 15 से 20 लोब्स होते हैं एक स्थान की मैं बात कर रहा हूं। और ये मेमोरी डक्ट है, ये जो पतली सी जो नली गई है माय डियर, इसको क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट का नाम लेते हैं, मेमोरी डक्ट यानी नली। मेमोरी का मतलब ये होता है स्तन वाली जो नली होती है। और फिर यहाँ देखना थोड़ा सा सूजा हुआ पार्ट है, सूजा मैं कहता हूँ थोड़ा सा मोटा पार्ट है, यहाँ भी आकर वो मिल्क इकट्ठा हो जाता है, जिसे मेमोरी एम्पुला का नाम देते हैं। और फिर ये पतली सी नली के सहारे से यहाँ भी, यहाँ सब कुछ वही है, पूरी नली से यहाँ जाता है, यहाँ पर भर जाता है हमारा मिल्क, और मिल्क बहने के बाद निप्पल के सहारे जाता है। क्या ये पहले ही निकलता है? नहीं, एक फीमेल जब माँ का रूप धारण करती है उसमें में एक हार्मोन रिलीज होते हैं, वो हार्मोन टॉर्चर करने से ही उसमें ये स्थान बन जाते हैं, ठीक है? ये मिल्क अंदर ही अंदर बनता है, और बनाता कौन है, मिल्क निकालने के लिए, मिल्क बनाने के लिए इसका वर्क डन क्या होता है, इसमें चार हार्मोन रिस्पॉन्सिबल लेते हैं, मैं नाम बता रहा हूँ, यहाँ नोट डाउन कीजिएगा, एस्ट्रो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, और साथ के साथ लैक्टो, ध्यान देना ऑक्सीपेप्टाइड तो नहीं बोलूंगा मैं, प्रोलैक्टिन बोल रहा हूँ, प्रोलैक्टिन। एक और मैं बता दूं, और एक और होता है प्रोलैक्टिन बाद आपका आता है प्रोजेस्टेरॉन, नहीं प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं आएगा आपका, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रोलैक्टिन, और एक होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ये चार हार्मोन्स ही होते हैं जो स्तन में से दूध निकालने का अग्रसर प्रयास करते हैं। और तो और मैं बता दूं, ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये लो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन ध्यान से समझना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये हमारे स्तन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, उसमें विकास का काम करते हैं, यही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही उसमें फैट आगे बढ़ता है और हमारी स्तन की साइज भी बढ़ती चली जाती है।
तो मेरे कहने का मतलब यह है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं हमारे ये मेमोरी ग्लैंड में वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। मेमोरी ग्लैंड या मेमोरी स्थान या स्थान में विकास के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी जिम्मेदार होती है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है स्तन के वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदारी लेता है, लेकिन मैं बता दूं प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन दूध निर्माण में या दूध को बनाने के लिए प्रेरित करता है। कौन? प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ये दुग्ध को बनाने के लिए प्रेरित करता है। कितना प्रेरित करता है? यही प्रोलैक्टिन है भैया। जैसे ही प्रसव होता है, पाश्चुरेशन होता है, उस समय ये प्रोलैक्टिन जो होता है क्या करता है, अंदर ही अंदर मिल्क बनाने का काम करता है। मिल्क को बनाने के लिए प्रोसीजर लगाता है, यानी कुल मिलाकर फीमेल में जो स्तन होता है अंदर स्तन में मिल्क बनाने का काम होता है प्रोलैक्टिन का, और मिल्क को निकालने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। ऑक्सीटोसिन ये दुग्ध निकालने का काम करता है, दुग्ध निकालने का काम करता है। माय डियर, यहां मेरी बात बहुत ध्यान से समझना कि स्तन में परिवर्तन, विकास, वृद्धि ये सब लाने का काम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन करते हैं। माय डियर, वही फैट में एक छेड़खानी करते हैं जिसकी वजह से स्तन बढ़ता हुआ चला जाता है, और प्रोलैक्टिन जो होता है वो दुग्ध को अंदर ही अंदर प्रेरित करता है ताकि दूध, ढेर सारा दूध बने, और उस दूध को बाहर फाइनली निकालने के लिए प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन। माय डियर, ये हार्मोन्स होते हैं, और ये हार्मोन प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन तभी रिलीज किए जाते हैं जब प्रसव होता है, पाश्चुरेशन होता है, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उस समय ये प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। मैं बताऊंगा आगे, इसका पूरा फाइनल चैप्टर ही तो है, अभी तो खेला शुरू हुआ है। माय डियर, खेला तो शुरू हुआ है, समझ रहे हैं? इतना याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि मेमोरी लोब्स कितने होते हैं, 15 से 20 लोब्स होते हैं। उसके बाद ये देखो दूध कहाँ बनता है, दूध यहाँ बनता है, और बनाता कौन है सबसे बड़ी बात, इसमें वृद्धि और वो कौन लाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लाते हैं, लेकिन इसको ग्रोथ वगैरह तो वही कर देता है, लेकिन साला प्रोलैक्टिन क्या करता है, दूध अंदर ही अंदर दूध बनाने का काम करता है, और जो दूध बन जाता है तो ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, इसमें से दूध इस मेमोरी डक्ट में लाएगा, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला में लाता है, और मेमोरी एम्पुला से इस लैक्टिफेरस डक्ट से किस में आता है, लैक्टिफेरस डक्ट से यहाँ ध्यान देना, लैक्टिफेरस डक्ट से फिर निप्पल में आ जाता है, और निप्पल में आते ही एक बेबी, छोटा सा बेबी, उसको अपने एनर्जी से बाहर निकाल लेता है। यही प्रोसेस एक फीमेल में चलता है स्तन को लेकर के। अब मेरी बात समझना, कभी कभी इसको पूछा भी जाता है मेमोरी डक्ट किस तरीके से पूछे, और ये कूपिकाएं हैं, ये देख रहे हैं, ये कूपिका है, कूपिका ठीक है, लोब्स बने होते हैं गोल गोल, ठीक है, ये अंदर का स्ट्रक्चर है स्तन का, बाहर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, बाहर का स्ट्रक्चर मैंने शुरू में भी दिखाया, अभी भी दिखा रहा हूँ आपको, व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा कि इस तरीके के स्तन बाहरी तरफ से होते हैं, लेकिन अंदर के स्तन ऐसे होते हैं, और इसमें ऐसे ऐसे दूध बनता है। और मैं एक चीज और बता दूं, कोलेस्ट्रॉम, नाम सुना होगा कोलेस्ट्रॉम, पहला जब बच्चा पैदा होता है तभी जो गाढ़ा गाढ़ा दूध होता है पीला पीला, उसको जो निकाला जाता है ना माय डियर, वो कोलेस्ट्रॉम पाया जाता है, उसको कोलेस्ट्रॉम मिल कहते हैं। अगर उस दूध को बच्चे को पिला दिया ना, 100% कर रहा हूँ, इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा होती है, इसमें प्रतिरक्षा तंत्र होता है, स्वयं बीमारी से लड़ने की एक कैपेसिटी बन जाती है। मैं लिख कर दे रहा हूँ, बहुत ही कम वो बच्चा अपनी जिंदगी में हॉस्पिटल या फिर बीमारी का मुख देखेगा, क्योंकि माँ का जो पहला दूध होता है जिसे कोलेस्ट्रॉम मिलकर बोला जाता है, उसमें प्रोटीन ही प्रोटीन मिलती है, कैल्शियम आयंस भी मिलते हैं, और तो और कैसीन प्रोटीन भी पाई जाती है, ये सारे मटेरियल्स इसमें मिलते हैं, और गाढ़ा होता है, हमारे यहाँ पिलाते नहीं है, लेकिन अगर उस पहले ही डॉक्टर से अगर आप पूछोगे तो सारी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देंगे, वो पहला ही मिल्क पिलाते ही बच्चे में इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाती है।
मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं, इम्यूनिटी पावर उसमें स्ट्रांग हो जाती है, ये बात तो फिक्स है। ये सारी प्रॉब्लम थी एक फीमेल के स्तन को लेकर के, लेकिन हमारी समाज में क्या कहा जाता है, इस चीज़ को बहुत ही गंदा एक्साइटेड से देख करके ये बोला जाता है, इसको पुश करते हैं बार बार टच करने से इसकी साइज बढ़ती है। मैं कहता हूँ ये बात उनके दिमाग ने ही सोच लिया नेगेटिविटी, इसीलिए कहते हैं कि नेगेटिव को लोग साथ रहोगे तो नेगेटिव बात कहेंगे और पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिव बात सोचोगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारा खेल अगर हैवी हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये सारा खेल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन संभालते हैं, ये एक हार्मोन्स हैं और हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने से कभी कभी क्या देते हैं कि आपने जिसके हार्मोन्स ठीक नहीं होते हैं, आगे बताएंगे वगैरह टाइप के, उनके स्तन बड़े नहीं होते हैं क्योंकि उनमें हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है और हार्मोन के डिस्टर्ब हो जाने से स्तन ऐसे नहीं रहते, समझ रहे ना, इसकी साइज ही बगड़ हो जाती है, कभी छोटा कभी बड़े, समझ रहे, इस टाइप के हो जाते हैं। थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद, आज इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, अगले लेक्चर में पुनः मिलेंगे शानदार स्माइल के साथ, करते रहे मेहनत और तबाह करते रहे, आई विल पोस्ट।